दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच। दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय पांच। बेलशत्सर नाम राजा ने अपने हजार प्रधानों के लिए जीवनार की और उन हजार लोगों के सामने दाखमधु पिया। दाखमधु पीते पीते बेलशत्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूखदनेजर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे वे लाए गए और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाखमधु पीकर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर रहे थे कि उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राजमंदिर की भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वह अपने सोच विचार में घबरा सा गया और उसकी कटी के जोड़ ढीले हो गए और कपीते कांपते उसने घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकारकर तंत्रियों कसदियों और होनहार बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जब बाबुल के पंडित पास आए तब राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वह लिखा हुआ पढ़कर उसका अर्थ मुझे समझाए उसे बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। तब राजा ने सब पंडित लोग भीतर तो आए परंतु उस लिखे हुए को पढ़ न सके और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। इस पर बेलशत्सर राजा निपट घबरा गया और वह भयातुर हो गया और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हो गए। राजा और प्रधानों के वचनों का हाल सुनकर रानी जीवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा तू युग युग जीवित रहे, मन में न घबरा और न उदास हो, क्योंकि तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशत्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में प्रकाश प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि उसमें पाई गई। और हे राजा तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों तंत्रियों कसदियों और होनहार बताने वालों का प्रधान ठहराया था क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा ज्ञान और प्रवीणता और स्वप्नों का फल बताने और पहेली खोलने और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वह इसका अर्थ बताएगा। तब दानियल राजा के सामने भीतर बुलाया गया। राजा दानियल से पूछने लगा कि क्या तू वही दानियल है जो मेरे पिता नबूखदनेजर राजा के यहूदा देश से लाए हुए यहूदी बंधुओं में से है? मैंने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्वर की आत्मा तुझ में रहती है और प्रकाश प्रवीणता और उत्तम बुद्धि तुझ में पाई जाती है। देख अभी पंडित और तंत्री लोग मेरे सामने इसलिए लाए गए थे कि यह लिखा हुआ पढ़े और उसका अर्थ मुझे बताए, परंतु वे तो उस बात का अर्थ न समझा सके। परंतु मैंने तेरे विषय में सुना है कि दानियल भेद खोल सकता है और संदेह दूर कर सकता है, इसलिए अब यदि तू उस लिखे हुए को पढ़ सके और उसका अर्थ भी मुझे समझा सके तो मैं तुझे बैंजनी रंग का वस्त्र और तेरे गले में सोने की कंठमाला पहनाया जाएगा और राज्य में तीसरा तू ही प्रभुता करेगा। दानियल ने राजा से कहा, अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वह दूसरे को दे। मैं वह लिखी हुई बात राजा को पढ़ सुनाऊंगा और उसका अर्थ भी तुझे समझाऊंगा। हे राजा परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूखदनेजर को राज्य बड़ाई
प्रतिष्ठा और प्रताप दिया था और उस बड़ाई के कारण जो उसने उसको दी थी देश देश और जाति जाति के सब लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले उसके सामने कांपते और थरथराते थे। जिसको वह चाहता उसे वह घात करता था और जिसको वह चाहता उसे वह जीवित रखता था। जिसको वह चाहता उसे वह ऊंचा पद देता था और जिसको वह चाहता उसे वह गिरा देता था। निदान जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई यहां तक कि वह अभिमान करने लगा तब वह अपने राज्य सिंहासन पर से उतर गया और उसकी प्रतिष्ठा भंग की गई और वह मनुष्य में से निकाला गया और उसका मन पशुओं का सा और उसका निवास जंगली गधों के बीच हो गया और वह बैलों की नाई घास चरता और उसका शरीर आकाश की ओस से भीगा करता था जब तक कि उसने जान न लिया कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहता उसी को उस पर अधिकारी ठहराता है। तो भी हे बेलशत्सर तू जो उसका पुत्र है यद्यपि यह सब कुछ जानता था तो भी तेरा मन नम्र न हुआ वरन तूने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने धरवा लिए और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो न देखते न सुनते न कुछ जानते हैं उनकी स्तुति की परंतु परमेश्वर जिसके प्राण तेरे जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है उसका सम्मान तूने नहीं किया। यही वह हाथ का एक भाग उसी ओर से प्रकट किया गया है और वे शब्द लिखे गए हैं और जो शब्द लिखे गए हैं अर्थात मने मने तकेल उपसिन इस वाक्य का अर्थ यह है मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल तू मानो तराजू में तौला गया है और हल्का पाया गया है। परेस अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाया गया और ढिंडोरियों से उसे विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। उसी रात को कसदियों का राजा बेलशस्सर मार डाला गया और दारा मादी जो कोई 62 वर्ष का था राजगद्दी पर विराजमान हुआ।